प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते नजर आए चेंबूर शंकर देओल के ये ग्रेजुएट युवक। इन्होंने स्थानीय बीजेपी युवा मोर्चा के नेता संतोष कल्याण के नेतृत्व में और मुंबई यूथ बीजेपी अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के मार्गदर्शन में खुद का एक गाड़ियों का सर्विसिंग सेंटर शुरू किया है, जो नौकरी के इंतजार में घर बैठे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। इस सर्विसिंग सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुंबई यूथ बीजेपी अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के हाथों किया गया। ये सब बच्चे सिटी यूथ फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और मैं सिटी यूथ फाउंडेशन का संचालक हूँ और मैं स्वयं भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता हूँ और उसके माध्यम से हमने जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान शुरू किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक जंग छेड़े हैं, एक जन आंदोलन की तरह हम इसको करना चाह रहे हैं आत्मनिर्भर महाराष्ट्र। और उसके तहत हम जो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी युवा हैं उनको युवा स्वरोजगार अभियान, इसके माध्यम से उनको स्वरोजगार देना और ऐसे युवा जो खुद कुछ करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाने का हम काम करने का एक अभियान शुरू किया है। और ये बड़े लोगों के आशीर्वाद, जैसे कि हमारे तेजिंदर भाई तिवाना मुंबई अध्यक्ष, उन्होंने भी अभी आके गए यहाँ पर, और हमारे मुंबई के सचिव भारतीय जनता पार्टी के कुशल जी जैन वो खुद आके गए यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लोग हमें प्रतिसाद दे रहे हैं और हम इस अभियान को यहीं पर नहीं रुकाएंगे, आगे भी हम लोग और बढ़ाएंगे। और इसको बोलते ना, हर आपके मीडिया के माध्यम से भी हमें सपोर्ट मिले इसको। वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनके लिए कितनी भी शब्द बोले उतना कम है, फिर भी मैं उनको मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मेरे पूरे संगठन की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये जो अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग, मतलब जितने भी युवा हैं उनके लिए ये मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद 7 मंथ से जॉबलेस हूँ। सो हमने बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस को फेस करते हुए इसे स्टार्ट किया है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ी, हमने किया मी एंड माय फ्रेंड। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से लोग हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है, बट कैसा है, जिसको करना है वो कैसे भी करेगा। और 137 करोड़ कंट्री में बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट को मतलब अपने हिसाब से हैंडल करना, उस हिसाब से हमको खुद को मतलब अपने पैर में खड़ा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम खुद से, अगर जो मोदी जी ने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत, उसे अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत जल्दी सब लोग जॉब पे रहेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे तो जॉबलेस नहीं रहेंगे ज़्यादा लोग। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद से फाइंड आउट करेंगे तो अच्छा चीज़ है। और यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर प्लस और आगे भी सोचेंगे और करने के लिए, अभी तो फ़िलहाल इतना ही है, अभी फ़िलहाल तो हम दोनों ही करेंगे, फिर उसके बाद में आगे सोचेंगे हम। एक्चुअली कैसा है, देखिए हम खुद एजुकेटेड है, वी बोथ आर ग्रेजुएट, लेकिन सोच यहाँ पे होता है, काम कोई छोटा नहीं होता। अभी इवन मैं कॉल सेंटर्स में भी काम किया हूँ, मैंने मेरे साथ में इंजीनियर्स को काम करते हुए देखा है, इट डजेंट मेक सेंस कि मतलब एक इंजीनियर कॉल सेंटर में काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, वो उस हिसाब से अगर हम अपने पैर में खड़े रहते हैं तो दैट इज द बेनिफिट पॉइंट फॉर आवर कंट्री। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।